नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टेक्निकल मुकाबला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से HDFC बैंक में ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन की सहायता से एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप HDFC बैंक में ऑनलाइन एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करोगे तो आपको सभी चीजें प्रोवाइड करा दी जाएगी जो कि एक बैंक अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कराता है, जैसे कि आपका ATM कार्ड, आपकी चेकबुक और पासबुक तो HDFC बैंक प्रोवाइड कराता नहीं है, और उसके साथ ही साथ आपको नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग प्रोवाइड करा दी जाएगी। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप किसी और बैंक में भी ऑनलाइन एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैंने और बहुत सी वीडियोज क्रिएट कर रखी हैं, उन सभी वीडियोज का लिंक आप लोगों को आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर और बताते हैं आपको कि आप किस तरीके से ऑनलाइन HDFC बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अब आप लोग देख सकते हो, हम लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुके हैं और इस वक्त हम लोग HDFC बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दिया जाएगा, जिसपे आप क्लिक करके डायरेक्टली HDFC बैंक के अकाउंट ओपन वाले पेज पे पहुंच जाओगे। तो जैसे ही आप उस वेबसाइट पे क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जहां लेफ्ट हैंड अपर साइड में, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं, HDFC बैंक की ब्रांडिंग देखने को आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको सिंपली नीचे की तरफ स्लाइड डाउन करना है और यहां एक ऑप्शन आएगा सेविंग अकाउंट का। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि ये सेविंग अकाउंट है, बट इसमें बहुत से टाइप के सेविंग अकाउंट है, जैसा कि मैं आपको नीचे दिखाता हूं, स्पेशल गोल्ड एंड स्पेशल प्लेटिनियम, इंस्टा अकाउंट, उसके बाद सेविंग मैक्स अकाउंट, उसके बाद वुमेन सेविंग अकाउंट, रेगुलर सेविंग अकाउंट। तो ये जो अकाउंट है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल अकाउंट है, क्योंकि मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। देखिए, पहला तो है, इस अकाउंट का टाइप है रेगुलर सेविंग अकाउंट, गेट अ फ्री पर्सनलाइज चेकबुक, इसमें आपको जो चेकबुक है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैंक के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। और जो दूसरा है वो है चूज रिवार्ड डेबिट कार्ड एंड रुपे प्रीमियम डेबिट कार्ड एंड इंटरनेशनल डेबिट कार्ड सूट्स योर नीड्स, मतलब आप इसमें अपना मनचाहा डेबिट कार्ड मंगवा सकते हैं, चाहे वो प्रीमियम कार्ड हो, चाहे वो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड हो, चाहे वो कोई सा भी डेबिट कार्ड हो, रुपए डेबिट कार्ड ही क्यों ना हो। उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या, पे योर बिल सेफली एंड कन्वीनियंसली विद बिल पे सर्विस, और इससे आप कोई भी नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या फिर अदर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे गूगल पे या फिर फोन पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे सजेशन से तो आपके लिए ये वाला सेविंग अकाउंट सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और अगर आप चाहें तो और कोई सा भी सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ ओपन इंस्टेंटली पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप ओपन इंस्टेंटली पे क्लिक करोगे, यहाँ लिखा आएगा लेट्स गेट स्टार्टेड, मतलब चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, और मोबाइल नंबर फिल करते ही देखिए यहाँ पढ़िए, टाइप द कोड सो कैन सेंसिटिव। अगर आप मेरी PF वाली वीडियो देखते होगे तो आपको पता है यहाँ क्या करना है, फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ जो है हमें कैप्चा फिल करना है, जो भी यहाँ इमेज में नंबर शो कराया जा रहा है GG2WVE, एज इट इज़ आपको एंटर कोड वाली जगह में फिल कर देना है। तो चलिए मैं इन दोनों चीज़ों को फिल कर देता हूँ, उसके बाद वापस वीडियो में आपसे मिलता हूँ। अब आप देख सकते हैं मैंने इन दोनों चीज़ों को यहाँ फिल कर दिया है, और फिल करने के बाद मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, जस्ट कैप्चा के नीचे आपको यहाँ एक टिक मार्क करना है टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ते हुए, और उसके बाद सिंपली नीचे दिए हुए प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। और आप देखिए, जैसे ही मैंने प्रोसीड के बटन पर क्लिक किया, यहाँ लिखा आ रहा है कन्फर्म OTP has sent to your, जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला। तो चलिए मैं उस OTP को यहाँ फिल कर देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं मैंने OTP यहाँ फिल कर दिया है। अगर आपके मोबाइल फ़ोन पे OTP नहीं गया तो जस्ट प्रोसेड के बटन के नीचे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा रिसेंट वेरिफिकेशन कोड का, आप यहाँ क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर पे दोबारा OTP मंगा सकते हैं। तो चलिए हम सिंपली प्रोसेड के बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब आप देखिए, जैसे ही हमने यहाँ क्लिक किया लेट्स गेट स्टार्टेड, उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन आएगा KYC डॉक्यूमेंट टाइप, मतलब आप किस डॉक्यूमेंट से जो अपना अकाउंट है वो ओपन करवाना चाहते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन आधार कार्ड, दूसरा पासपोर्ट, तीसरा ड्राइविंग लाइसेंस और चौथा वोटर्स ID। अगर आपके पास इन चारों में से कोई सी भी चीज़ अवेलेबल है या कोई सा भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो आप इस अकाउंट को बिल्कुल सिंपली ओपन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप यहाँ आधार कार्ड पर क्लिक करते हैं, और जैसे ही हम आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे, यहाँ आएगा सिलेक्ट प्रेफर्ड लैंग्वेज, तो आपको यहाँ एग्री कर लेना है, और जैसे ही आप एग्री पे क्लिक करोगे, यहाँ आपको डॉक्यूमेंट नंबर फिल करना है, मतलब अपना आधार नंबर फिल करना है।
अगर आप पासपोर्ट फिल कर पासपोर्ट चूज करते हैं तो आपको पासपोर्ट नंबर फिल करना है। तो चलिए हम यहाँ आधार नंबर फिल कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं मैं यहाँ अपना आधार नंबर फिल कर चुका हूँ, और आधार नंबर फिल करते ही आपको सिंपली नीचे दिए हुए प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे ही मैंने प्रोसीड के बटन पर क्लिक किया, यहाँ मेरे सामने कुछ लिख के आ रहा है, क्विक वेरिफिकेशन एंड फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ द एप्लीकेशन यूज बिलो फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। मतलब आप अपना आधार वेरीफाई करने के लिए क्या करना चाहते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो इसमें आधार नंबर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आधार कार्ड में वो होना जरूरी है। तो आपको यहाँ सिंपली पहला ऑप्शन है आधार OTP ऑथेंटिकेशन, दूसरा स्कैन आधार QR कोड। तो आप दोनों में से कोई सा भी चूज कर सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो कोई बात नहीं, और आपके पास आधार कार्ड भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सिंपली नीचे दिया हुआ थर्ड ऑप्शन स्किप पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप स्किप पे क्लिक करोगे आपके सामने प्रोसेसिंग आएगी। अब देखिए जैसे ही यहाँ दोबारा आया अकाउंट टाइप, सिलेक्ट अकाउंट टाइप, तो हमें यहाँ सेविंग अकाउंट ओपन करना है। सेविंग अकाउंट ओपन करते ही यहाँ एक ऑप्शन आ जाएगा अकाउंट वेरिएंट, इसमें बहुत से अकाउंट वेरिएंट है, तो हमें यहाँ रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन करना है। आप अपनी नीड्स के हिसाब से कोई सा भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को सिंपली कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। अब आप देखिए जैसे ही मैंने कंटिन्यू के बटन पर क्लिक किया, यहाँ ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट अ ब्रांच, तो चलिए हम अपनी ब्रांच को सिलेक्ट कर लेते हैं, स्टेट, जैसे हमारा स्टेट हरियाणा, देखिए मैंने हरियाणा चूज कर लिया। उसके बाद सिटी, तो चलिए मैं ये दोनों चीज़ें चूज कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ सिटी और स्टेट चूज किया, उसके बाद ऑटोमेटिकली मेरे पास एक ब्रांच नेम का जो क्या कहते हैं उसे ऑप्शन है वो विजिबल हो जाता है। तो यहाँ आपको अपने आसपास नियर बाई ब्रांच चूज कर लेनी है, उसके बाद सिंपली कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली ओके पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे यहाँ ऑप्शन आएगा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्लिक योर सेल्फी फ्रॉम कैमरा ऑप्शन। आप देखिए जैसे ही आप अपनी फ़ोटो खींचोगे, सिंपली देखिए मैं यहाँ फ़ोटो खींच लेता हूँ अपनी, जैसे ही मैंने ओके किया यहाँ मुझे अपनी एक फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है। उसके बाद सिलेक्ट प्रीफिक्स, मतलब जो भी अपनी डिटेल्स है वो यहाँ फिल करनी है, कुछ भी नहीं है यहाँ, अपनी सिर्फ और सिर्फ डिटेल है। और उसके बाद लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है, नोट पैन इज मैंडेटरी फॉर वीडियो KYC, मतलब आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए तो आपको वीडियो KYC कर पाएंगे। उसके बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ नीचे अपनी डिटेल्स फिल करने के बाद प्रोसेड पे क्लिक करना है, और प्रोसेड पे क्लिक करते ही आपको सिंपली सबमिट कर देना है, और सबमिट करते ही आपके सामने अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट HDFC बैंक का ओपन हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। जैसा कि हम लोगों ने अभी अपनी मोबाइल स्क्रीन के जरिए आप लोगों को बताया कि आप किस तरीके से ऑनलाइन HDFC बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों इस अकाउंट की सबसे अच्छी बात यह है कि जो इसमें आपका अकाउंट नंबर है वो आपको तुरंत प्रोवाइड करा दिया जाता है, और अगर आप इसमें कोई ट्रांजेक्शन करना चाहें, मतलब पैसे भेजने या इस अकाउंट से निकालना चाहें, तो विद इन 5 और 10 मिनट्स में आप कर सकते हैं, क्योंकि 5 से 10 मिनट अकाउंट को वेरीफाई होने में लग जाते हैं। और दोस्तों इस अकाउंट की आप लोग नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग भी यूज़ कर सकते हैं अकाउंट ओपन होने के लगभग 1 से 2 दिन बाद, क्योंकि दोस्तों वो चीज़ें आपको तुरंत प्रोवाइड नहीं कराई जाती हैं। और जो रही बात आपके ATM की, तो आपको एड्रेस के थ्रू आप अपने किसी भी एड्रेस पर मंगा सकते हैं। कई बैंकों में क्या होता है कि आप अपने परमानेंट एड्रेस पर ही इसे मंगा सकते हैं, बट HDFC और एक्सिस बैंक में ये रूल है कि आप प्रेजेंट एड्रेस, आप जिस भी एड्रेस पर रह रहे हो आप उस एड्रेस पर अपनी ATM कार्ड, अपने या चेकबुक मंगा सकते हो। दोस्तों अगर आप लोगों को इस अकाउंट में खोलने में किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप पर्सनली मुझे नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर या फिर Gmail ID या फिर Instagram ID के द्वारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।